सिंपल एंड इजी पिगी बैंक। अपन पिगी बैंक बनाने का तरीका देखेंगे। अब फ्रेंड्स, अपन एक बॉक्स लेंगे। ये बॉक्स को अपन पेन या मार्कर से फोर साइड्स मार्किंग कर लेना है। ये बॉक्स को अपन कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद ऐसे दिखेगा। इसे ओपन करना, बंद कर सकते हैं। अपन एक स्क्वायर शीट लेंगे, गम लगा के अंदर चिपका लेंगे। चिपका लेने के बाद अपन एक लंबे लंबे रेक्टेंगुलर शीट्स को लेके गम अप्लाई कर लेंगे। गम अप्लाई कर लेने के बाद इसके साइड्स को चिपका लें। अच्छे तरीके से चिपका लेने के बाद अपन स्मॉल सीजर से इसको कट कर लेंगे नीटली। अपन एक लंबा सा रेक्टेंगुलर शीट लेके इसको गम अप्लाई कर लेंगे। इसे स्टिक करना है। ये रेक्टेंगुलर शीट को अच्छे तरीके से चिपका लेने के बाद इसके एक्स्ट्रास को अपन कट कर लेना है नीटली। इसके साइड को मैं टेप चिपका लिया हूँ। वैसे ही पेन से वहाँ पे एक राउंड सर्कुलर बनाना है। अपन एक सीजर लेके उसको होल करना है। मैं एक छोटा सा पेपर रोल लिया हूँ, एक रेक्टेंगुलर रोल लिया हूँ। इसको गम से अपन इसे तरीके से चिपकाना है। बाद में इसको आपके मर्जी कलर टेप या रेडियम टेप से अच्छे तरीके से स्टिक कर लेके रख लेना है। अपन अपने पिगी बैंक को अपन अच्छे तरीके से पेपर कर लेना है। मैं पेपर करके रखा हूँ। देखो अच्छे डिज़ाइन, नेम्स, एटीएम बोल के अच्छे डिज़ाइन करके रखा हूँ। आपके मर्जी कैसे भी डिज़ाइन कर ले सकते हो। अपन ये बॉक्स को लेके एक अपन बना के रखी सो वो टी एल्डो पर को लेना है। उसको अच्छे तरीके से फिट करके उसका एंगल सीधा सा एटीएम के अंदर रहना है। अपन गम लेंगे, गम लेके इसको अप्लाई कर लेना है। एक छोटा सा एरो लिया हूँ, एरो इसको यहाँ पे चिपका लेना है। एरो चिपका लेने के बाद अपना एटीएम बन चुका है। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब, वैसे ही बेल आइकन को क्लिक कर लिए, सबसे पहले आप ही मेरे नोटिफिकेशन को चाह पाएंगे।